बालागढ़ में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक की है। इस बैठक में उनके साथ सीपीएस राम कुमार चौधरी, नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा भी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य बीबीएन क्षेत्र में हो रही अवैध माइनिंग को रोकना था। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बीबीएन क्षेत्र में अवैध रूप से माइनिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग लगातार माइनिंग को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवैध रूप से माइनिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। सभी डिपार्टमेंट, खास तौर पर माइनिंग विभाग और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि क्षेत्र में अवैध माइनिंग को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। वाला नाला एरिया में जो है वो बैठक का सभी उच्च अधिकारियों की ली गई है, जिसमें हमारे सीपीएस राम कुमार चौधरी जी और नालागढ़ के विधायक हरदीप बाबा जी भी शामिल हुए हैं, जिसमें एसपी बद्री, डीएसडीएम, माइनिंग डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, डीएफओ, पीडब्ल्यूडी और आईपीएच के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि इलीगल माइनिंग को इस क्षेत्र में किस तरह से रोका जाए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि जो भी इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश में हो रही है, और इलीगल माइनिंग विशेष करके जो है बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा होती है। वैसे तो इलीगल माइनिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, सरकार ने जो है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, और इसी उपलक्ष्य में जो है आज यहाँ पे बैठक की गई है। मैंने आज सख्त आदेश जो है वो डिपार्टमेंट को दिए है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटीज़ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक ज्वाइंट कमेटी बने, जिसमें पुलिस के अधिकारी भी हों, रेवेन्यू के भी हों, फॉरेस्ट के भी हों और माइनिंग के भी हों, और वो ज्वाइंट रेड्स करें विशेष करके रात में, और जहाँ जहाँ इलीगल माइनिंग है उसको रोका जाए। और ये आदेश मुझे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है मुझे दिए हैं कि बॉर्डर एरियाज में जहाँ जहाँ भी माइनिंग हो रही है वो अधिकारियों को जो है सख्त आदेश दिए जाए कि इलीगल माइनिंग को जो है तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, चाहे ऊना का क्षेत्र है, चाहे कांगड़ा का क्षेत्र है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र है, चाहे हमारे बीबीएनडी का है, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर, बताया जा रहा है कि हथियारों के दम पे माइनिंग की जा रही है, सर अब तो गाँव वाले भी जानकारी देने से डर रही है। देखो, ऐसा नहीं है, तो मीडिया और स्टोरीज होंगी, ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं आई। अगर ऐसी बात कहीं आपको लगती है, आप मौखिक रूप से और लिखित रूप में हमें बताएं। हम एसपी बद्दी यहाँ पे है, आप उनको बताएं और जो है वो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, हाल ही में सर एक माइनिंग ऑफिसर को भी सर उठा के पंजाब के बॉर्डर एरिया तक ले जाया गया था। सर, इस तरह की जो है वारदातें यहाँ पे हो रही है। देखो, जो एक आइसोलेटेड केसेस इस टाइप के हो जाते हैं, और इसी को नज़रअंदाज देखते हुए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है, अभी मेरी मीटिंग यहाँ हुई है, इसके बाद ऊना भी होगी, उसके बाद कांगड़ा भी होगी, उसके बाद सिरमौर भी होगी, हम एक जॉइंट ऑफिसर्स की मीटिंग जो है हर जिले में रखेंगे, और इलीगल माइनिंग को किस तरह से रोका जाए हम जो है उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी अधिकारी संबंधित पाए गए, चाहे वो उच्च अधिकारी होंगे, चाहे छोटे तबके के अधिकारी होंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। और हम चाहते हैं माइनिंग की, कि हम माइनिंग के अगेंस्ट नहीं हैं, हम इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट है। जो लीगल माइनिंग है, चाहे वो क्रशर है या माइंस है, लीगल माइनिंग है जो पूरी कॉर्डर फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अगर वो माइनिंग करते हैं, चाहे क्रशर वाले अपने हिसाब से वो करें, मगर प्रश्न ये है कि जो लीगल माइनिंग वाले हैं, जो क्रशर वाले हैं, वो इलीगल पत्थर को ना खरीदें, इलीगल माल को जो है अपने क्रशर